अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर वेल। यहाँ पे जा रही हैं परीसा पिकनिक पे। ये लास्ट सैटरडे भी गई थी और अभी भी इनको वाटर पार्क बहुत पसंद आ गया है। बस मैंने इनके शूज़ वगैरह निकाल दिए थे, ड्रेस मैंने दो प्रेस किए थे कि इनको कोई भी पहन के जा सकती हैं। ये रही परीसा। अच्छा, स्कूल के लिए इस टाइम पर ये बहुत लेज़ी होकर उठती थी और अभी देखें घूमने जाना है तो कितनी फ्रेश है। फिर मैं बस इनके लिए जल्दी से ब्रेकफास्ट बना के ले आई थी और ये खाने में तो बहुत नखरे करती हैं, थोड़ा बहुत ही खा के गई थी इसमें। और यहाँ बाबा के साथ मस्तियाँ कर रही थी और ये बिला वजह का ये बैग घसीट के लेके गई थी। पता नहीं क्या क्या इसके अंदर से रात को जो ये प्ले कर रहे थे वो डाले इसमें टॉय इन्होंने, और बस वीडियो चली गई। अब ये मुझसे कह रही है मुझे वीडियो मत बनाए, मेरी बाबा से बात करें। फिर भाई जब बड़ी बहन गई हैं घूमने के लिए तो छोटी को भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है, तो इनके बाबा और मैं इनको लेके पूल में आ गए थे। बस यहाँ देखें ये कैसे पानी की बिल्ली की तरह गोते लगा रही हैं। इनका हमेशा यही काम होता है, फ्लोटिंग करनी इनको आ गई है। बस ये बस मज़े से जो है ना यहाँ से वहाँ घूमती रहती है, हमारे हाथों में कमर में दर्द करवा देती हैं। क्या ही करें इन बच्चों का, लेकिन बच्चे हैं, खैर अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अच्छी आसाइश वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम आमीन। बहुत मज़ा आ रहा था हमें भी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आ गए थे आज साथ में। फिर बस इनको मैंने नैप वगैरह दिलवानी थी और शावर दिलवा के बस मैं सुलाने के लिए लेट गई थी। मज़ा आया था? Yes. पूल पार्टी के बाद पिज्जा पार्टी हो रही है, हम मज़ा आया था बहुत। बोल रहे थे कि कचरा है यहाँ पे। क्या नाम था फिर उस पार्क का, कौन से पार्क गए थे आप लोग? बस इन्होंने यहाँ पे अपना डिनर फिनिश करा और बस ये पता नहीं जिस वाटर पार्क गए थे ना, इनको उसका नाम ही नहीं पता था ना, मैंने पूछा सही से भैया से। बस ये इंजॉय कर रही थी अपनी मील और मेरे साथ बदमाशी कर रही थी, मैंने इनका फेस जूम कर लिया।